हमारे सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सभी को विदित है, कोविड पीरियड में हमारा जो विकास का धन था पूरा आप जनवास को बचाने तक, क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री ने आप सबके सामने की थी। हमारे विधानसभा में जिले के कुछ काम संकलित करते हुए विधानसभा के में जो काम आप सभी के सुझाव विकास के लिए हमेशा मैं अपने आप में आमंत्रित करता हूँ, आपका सुझाव लेता हूँ और आपके सजेशन के आधार पर जनता कितने के काम हुए हैं। देखिए, मैंने आपको प्रस्तुत किया है, हम ये कह सकते हैं कि विधायक जितने भी अंक हुए मैंने पूरी तौर पर उसको खर्च किया विकास का, क्योंकि एक साल की निधि आप सबने देखा होगा 2 करोड़ रुपया सीधी सीधी कोविड के हम लोगों ने दे दी थी और एक एक माह का ₹75 लाख वेतन भी कोविड में दिया। इसके अतिरिक्त भी हमने आप सबके सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से कोविड की धनराशि एकत्र करके सरकार की निधि में देने का काम किया ताकि जनता के स्वास्थ्य के प्रति उस राशि का उपयोग हो सके। और आज की तारीख में मुझे जो विधायक निधि प्राप्त हुई थी उसमें से मेरी निधि में 4-5 लाख रुपये से अवशेष है और वो भी मैं इसलिए रोके हूँ कि ताकि कोई अस्वस्थता के कारण व्यक्ति रह जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं मुख्य विकास अधिकारी को उस राशि में से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक लिखने की अपनी ओर से अनुशंसा करता हूँ ताकि उनका इलाज हो सके। ये हमारी निधि का ब्यौरा है। आपने जो विकास का एक बार भाई साहब बड़े जी आपने अभी जो विकास कार्य गिना है, मुझे याद है कि पिछली जब आप चुनाव लड़े थे तब आपने 2 चीजों की घोषणा की थी, एक ब्याना नाना का पुल और एक नदी का पुल। ये दोनों पुलों की धराल की स्थिति अभी कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? 4.5 साल गुजर गए, 4.5 साल में आप लोगों को अच्छी तरह याद है, 3 साल मात्र हमको काम करने को मिला, बाकी 2 साल तक कोरोना में आप सबने देखा और कोरोना की वजह से ये पुलों का निर्माण अधर में लटका। उनकी घोषणाएं हैं और घोषणा से उनकी स्वीकृति है, जल्दी ही आपके सामने उनका निर्माण का हमारे कार्यकाल में बुंदेलखंड विकास निधि जिला योजना के अंतर्गत चंडी मंदिर के पास स्थित नर्सरी में 29.1 करोड़ की लागत से ट्यूबवेल और 500 मीटर पाइपलाइन का विस्तार कार्य कराया गया। ग्राम बासी में बासी पंप हाउस पर 20 लाख की लागत से 40 हॉर्स पावर पंप की स्थापना की गई। विधानसभा क्षेत्र में 160 लाख की लागत से 16 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया। विधानसभा क्षेत्र में 40 लाख की लागत से 4 रैंप पसेरा का निर्माण कार्य हुआ। ललितपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में 48 लाख की लागत से 8 पुलियों का निर्माण कार्य, 48 लाख की लागत से हुआ। विधानसभा क्षेत्र में 1,497.66 लाख की लागत से नगर व पुण्य ग्रामों में 25 किलोमीटर सीसी सड़क और ओवरब्रिज नाली का निर्माण कार्य। त्वरित आर्थिक विकास योजना में 499.77 लाख की लागत से 7.14 करोड़ सड़कों का निर्माण कार्य। प्रधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत जिला अस्पताल पुरस्कार में 68 लाख की लागत से RT-PCR लैब, टीकू कोविड वार्ड, सुंदरीकरण व मरीजों के साथ आने वाले परिवार जनों के लिए 3 सेट का निर्माण। जिला अस्पताल महिला में 44 लाख की लागत से 3 सेट निर्माण का और बैठने की उचित व्यवस्था। कोविड काल में 10 लाख की लागत से कोविड बचाव सामग्री। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना हेतु 25 लाख रुपए की व्यवस्था। जिला
बाद ललितपुर में अधिवक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से 19 लाख की लागत से पुस्तकालय भवन का निर्माण, नकेल गल्ला मंडी में किसानों के पीने के पानी हेतु आरओ फेरियर प्याऊ की स्थापना, विधानसभा क्षेत्र में 203 लाख की लागत से नगर व विभिन्न ग्रामों में 3.38 किलोमीटर सीसी सड़क और पेयजल सड़क प्रणाली का निर्माण, विधानसभा क्षेत्र में भी 30 लाख की लागत से महापुरुषों को समर्पित 3 प्रवेश द्वार का निर्माण का, जैसे राजघाट में अटल द्वार, तालघाट में स्वर्गीय शहीद अमराज रावत द्वार, देवघर में हमारे पूज्य विद्यासागर जी का नामकरण करते विद्यासागर द्वार का निर्माण कराया गया, विधानसभा क्षेत्र में 16.9 लाख की लागत से 12 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण, विधानसभा क्षेत्र में 74.94 लाख की लागत से 9 रैनबसेरा का निर्माण, विधानसभा क्षेत्र में 48 लाख की लागत से 8 पुलियों का निर्माण, चंडी मंदिर के पास 10 लाख की लागत से 16